अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो बेटा, आफ्टर डिस्कसिंग द पावर ऑफ एन एसी सर्किट, बीच में लास्ट में मैंने पावर फैक्टर थोड़ा सा वहाँ पे छोड़ दिया था, जो कि इम्पीडेंस ट्रायंगल रह गई थी। तो पहले हम थोड़ा सा इम्पीडेंस ट्रायंगल पे नज़र डालेंगे, उसके बाद हम फिर से थोड़ा सा वो पावर फैक्टर की तरफ जाएंगे। तो आपको पता है जो इम्पीडेंस है, दैट इज़ दी टोटल इफेक्टिव अपोर्शन विच इज ऑफर्ड बाई एल सी आर सर्किट टू द ऑल्टरनेटिंग करंट, उसको इम्पीडेंस कहते हैं। यानी कि एक्चुअली जो टोटल अपोर्शन जो करंट को एक्चुअली फेस करना पड़ता है जब करंट पास होता है किसी भी सर्किट में, जब वहाँ पे दो एक्चुअली मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एल सी आर सर्किट की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। तो देयरफॉर वहाँ पे ये तीनों सर्किट एलिमेंट्स करंट को अपोज करेंगे। तो देयरफॉर जो नेट अपोर्शन उनकी होगी, दैट इज अपोर्शन शोन बाय रेजिस्टर प्लस अपोर्शन शोन बाय इंडक्टर प्लस अपोर्शन शोन बाय कैपेसिटर, उसी को हम, वो आपको पता है, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको हम जेड से एक्चुअली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन जनरल दिस इम्पीडेंस विल कंप्राइज स्पेशली जब हम एल सी आर सर्किट की बात करेंगे, एल सी आर, तो एल सी आर सर्किट में वो इम्पीडेंस तीन पार्ट्स का कंप्राइज करेगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, रजिस्टर इन ऑफ रेजिस्टेंस आर, उस और इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी, है ना। दैट इज अपोर्शन शोन बाई इंडक्टर विल बी इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड अपोर्शन शोन बाई कैपेसिटर विल बी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो जेड यहाँ पे कंप्राइज होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर और इंडक्टिव रिएक्टेंस एल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, इन तीन पार्ट्स का होगा। वेल एज एक्स एल एंड एक्स सी आर अपोर्शन, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, यू नो। इन सीरीज एल सी आर सर्किट जो टोटल रिएक्टेंस है ना, उसको हम प्लस माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी लेते हैं, दैट इज टोटल रिएक्टेंस। टोटल रिएक्टेंस यहाँ पे हम टोटल रिएक्टेंस इन सीरीज एल सी आर सर्किट उसको हम लेते हैं बराबर प्लस माइनस एक्स एल माइनस एक्स सी, फिर कौन सा बड़ा होगा, प्लस माइनस विल कंपनसेट दैट, ठीक है ना। एंड ऑलरेडी आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज ससेप्टेंस, वो आपने जब मैंने टर्म्स पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ जो इम्पीडेंस एल सी आर सर्किट में एक्चुअली उस पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, उसको हम डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। दैट्स इम्पीडेंस जेड ऑफ एन एल सी आर सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली बाय अ ट्रायंगल कॉल्ड एज इम्पीडेंस ट्रायंगल, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट, इफ यू रिमेंबर, दैट इज जेड इज सिंपली इक्वलन टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। दिस वॉज द इम्पीडेंस शोन बाय द एल सी आर सीरीज सर्किट, और वी कैन राइट इट एज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल किसके बराबर होता है, एल ओमेगा माइनस वन बाई सी ओमेगा होल स्क्वायर। आइदर इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, वन एंड द सेम थिंग। एंड ये होगी इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट। इसी तरह इम्पीडेंस ये हो गया एल सी आर, इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट, एल आर सर्किट की इम्पीडेंस क्या निकली थी, दैट वॉज जेड वॉज सिंपली इक्वलेंट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, दैट्स इक्वलेंट, और ये हम इस तरह लिख सकते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक्स एल इज इक्वलेंट एल ओमेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल, पहले हम ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हम क्या कहते हैं, एक साइड ट्रायंगल का रिप्रेजेंट करता है आर, दैट इज दी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एंड सेकंड पार्ट जो इसका परपेंडिकुलर पार्ट, इट विल रिप्रेजेंट टोटल रिएक्टेंस एक्स एल माइनस एक्स सी। देन जो क्लोजिंग पार्ट होता है ना, हाइपोटेन्यूज, इट रिप्रेजेंट द रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ये एंगल जो होता है ना, ये वो फेज एंगल होता है फाई। तो देयरफॉर इसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। बट इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स आर रिप्रेजेंटिंग द बेस, वेल एज परपेंडिकुलर रिप्रेजेंटेड बाय टोटल रिएक्टेंस, दैट्स एक्स एल माइनस एक्स सी, देन द हाइपोटेन्यूज इज रिप्रेजेंटेड बाय रिएक्टेंस, ठीक है ना। जेड एंड वाई द एंगल विच इज फॉर्मड, इसको हम कहते हैं दैट्स फेज एंगल, ठीक है ना। ये एल सी आर सर्किट का हो गई। इसी तरह अगर आप एल आर सर्किट की बात करोगे तो उसकी इम्पीडेंस ट्रायंगल इस तरह बनेगी, वन सेकेंड दिस विल बी आर, ठीक है ना, और इस वक्त जो परपेंडिकुलर क्या होगा, वो सिंपली होगा एक्स एल, ठीक है ना। देन द क्लोजिंग साइड द हाइपोटेन्यूज विल बी इम्पीडेंस। ये हो गया एल सी आर सर्किट, ये हो गया आपका एल आर सर्किट, ठीक है ना। दिस इज फेज एंगल फाइ। चूंकि एल आर सर्किट में आपको पता है, चूंकि जब एल आर सर्किट वहाँ पे एक्चुअली ई एम एफ लीड करता है ना,
ठीक है ना, क्योंकि आमतौर पर इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है इंडक्टिव लीड्स बाय दिस ईएमएफ लीड्स द करंट बाय दिस एंगल 90, लेकिन जब एलआर सर्किट था तो इट वाज ईएमएफ लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाइव, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम सीआर सर्किट की बात करेंगे, सीआर सर्किट अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, सीआर सर्किट में जो इम्पिडेंस थी वो जेड किसके बराबर थी, दैट वाज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है ना, दैट्स इक्वलेंट और रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन बाई सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, या सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ओब्वियसली वहाँ पे बेटा जो, क्योंकि सी आर सर्किट में अगर आपको याद होगा इट वॉज करंट विच वॉज लीडिंग, ठीक है ना, तो दे आर फॉर वंस अगेन इसमें रेजिस्टेंस आर इस तरह रिप्रेजेंट होगी, लेकिन चूंकि इसमें ये डाउनवर्ड्स आएगा एक्स सी, ठीक है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द क्लोजिंग साइड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जेड, दिस इज फेज एंगल फाई, ठीक है ना, ओ ए बी एंड सी, हेयर दिस करंट एक्चुअली लीड्स, इन दिस केस करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ फाई, ठीक है ना। यहाँ बीच में एक्चुअली वन बाई सी ओमेगा को माइनस बी लेते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया है वो तो प्लस ही आता है, ठीक है ना। तो इंपिडेंस ऑफ सी आर सर्किट हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, देयर फॉर जो इसकी इंपिडेंस ट्रायंगल बनती है वो ये बनती है, ठीक है ना। अगर आप फेज डिफरेंस की बात आप करोगे ना, वो आप खुद देख सकते हो, ना दिस वॉज इंपिडेंस ट्रायंगल। ना अगर आप पावर फैक्टर, फिर से हम इफ़ वी विल गो बैक टूवर्ड द पावर फैक्टर, ये था पावर फैक्टर वाला पार्ट था भाई। तो पावर फैक्टर आपको अब पता है दैट इज़ एक्चुअली दी ट्रू पावर बाय अपेरेंट पावर, ठीक है ना। तो देयर फोर फ्रॉम इम्पिडेंस ट्रायंगल, नाउ कॉस फाई, अगर आप कॉस फाई आप निकालोगे इसमें, ये वाला पार्ट कॉस फाई, ठीक है ना। कॉस फाई मैं बेटा जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो कॉस पाई किसके बराबर आएगा इन एल आर एल सी आर, कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज आर डिवाइड बाई एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है ना। ओके तो क्या कह रहा था मैं, तो एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग पावर फैक्टर। नाउ पावर फैक्टर की बात अगर हम करेंगे, तो पावर फैक्टर हमने देखा इट इज़ ट्रू पावर बाय अपेरेंट पावर। अब इसी इंपिडेंस ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर निकालते हैं एलसीआर सर्किट की, कर्ली बेस बाय हाइपोटेन्यूज आपका कॉस फाई निकलता है, क्योंकि पावर फैक्टर क्या था हमारे पास जो रिलेशन थी दिट वाज ई वी आई वी कॉस फाई। नाउ दिस पावर फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इंपिडेंस ट्रायंगल, दैट इज फ्रॉम दिस इट वाज कर्ली कॉस फाई वाज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है जेड, तो डीआर फोर बेटा एक्चुअली उससे हमें क्या निकलता है, अगर आप यहां पे देखो कॉस फाई फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल कॉस फाई इज सिंपली बेस दैट वाज आर, हाइपोटेन्यूज वाज जेड, इट वाज आर बाय जेड, इट इज रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस, ठीक है ना। अब जेड उसी ट्रायंगल से हमने निकालना है, जेड हाइपोटेन्यूज है, तो देयर फॉर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम जेड को निकाल सकते हैं, दैट इज जेड वाज इक्वलेंट हाइपोटेन्यूज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्या है आर, परपेंडिकुलर क्या है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तभी आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज कॉस फाई इज नाउ सिंपली इक्वलेंट आर, जेड हमने निकाला है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज जस्ट फ्रॉम द इम्पिडेंस ट्रायंगल, तो देयर फॉर ये सारे फैक्टर जो हमने निकाले वो हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल से निकाले। सो एक्चुअली जो यहाँ पे मैंने जब हमने पावर पढ़ाया था तो मैं खुद यहाँ पे कॉस फाई लिख लेता था, यानी जितने सर्किट्स मैंने लिए, ये देखो बेटा पहले हमने लिया था फॉर एग्जांपल, चलो इनमें तो नहीं आया था एलआर सर्किट में, देखो आप मैं कॉस फाई खुद लिख लेता था। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉस फाई ये पावर फैक्टर कहाँ से आता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल से आता है, दैट इज सिंपली बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये कौन सा सर्किट है, ये एलआर सर्किट है, इसकी इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो एलआर सर्किट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर जेड आप निकालोगे ये आएगा एक्चुअली यहाँ से आपको कॉस फाई किसके बराबर आर बाय जेड, तो जेड जब आप निकालोगे वो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर वही इसके बराबर। इसी तरह इसमें हम इसकी इम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम देखेंगे उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो वैसे इसी तरह हमने बाद में निकाला आर एल सी सर्किट का, तो देयरफॉर दिस वाज ये एक्चुअली सारा कुछ हम किस तरह निकालते हैं, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम पावर फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज योर पावर फैक्टर एज फार एज एल सी आर सर्किट वाज कंसिडर्ड। इन अ नॉन इंडक्टिव सर्किट, अगर हमारे पास नॉन इंडक्टिव सर्किट है, दैट्स फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव सर्किट मतलब क्या हो गया,
एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, उसमें जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर है, ठीक है ना। ना इन एन नॉन इंडक्टिव सर्किट यू विल एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो बेटा उसमें आप देखोगे एक्स ये किसके बराबर, ये जीरो के बराबर बन जाएगा, ये बन जाएगा आर, उसमें कॉस फाई किसके बराबर आएगा आपको, वन के बराबर, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर, उस पावर फैक्टर फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, पावर फैक्टर वो कॉस फाई किसके बराबर आएगा बेटा, कॉस फाई आएगा आर डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर, चूंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन इक्वल बन जाएंगे, एक्स एल विल बी इक्वल एक्स, ये जीरो बन जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल दैट्स इक्वल टू वन, आर आर कैंसल वन बन जाएगा। तो देयर फोर कॉस फाई का वैल्यू कब वन होता है, जब फाई कब होता है, जीरो होता है, तो विच मीनस फाई इज जीरो, ठीक है ना। एक्चुअली शोइंग अस दैट जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपका जो सर्किट होगा ना वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, होगा ना। तो उसमें फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस तो रेजिस्टिव सर्किट में ही जीरो होता है। दिस ऑल्सो शोज दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन ए प्योर, चूंकि ये बेटा एक्चुअली पावर फैक्टर है, ये एक्चुअली कौन सा सर्किट अब है हमारे पास है, ये एक्चुअली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर का मैक्सिमम, चूंकि कॉस को हमेशा वैल्यू यहाँ तो प्लस वन होता है माइनस वन, मैक्सिमम तो ये होते हैं, तो देयर फॉर मैक्सिमम प्लस वन होता है, तो देयर फॉर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर पावर फैक्टर, ठीक है ना। तो देयर फॉर इट इज फॉर द प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इसी तरह फॉर प्योर इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर, ये जो फाइव होता है ये 90 होता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर जो होता है वो सिंपली फाइव का वहाँ पे 90 होता है, तभी जब फाइव 90 होगा, चूंकि है ना वहाँ पे ईएमएफ या लीड करता है 90 से या करंट लीड करता है 90 से, तो देयर फोर फॉर फॉर प्योर इंडक्टिव और आइडियल कैपेसिटिव फाइव इज 90, फाई 90 बन जाए, जब फाई 90 बन गया कॉस 90 इज जीरो, कॉस 90 इज सिंपली इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर बेटा एवरेज तो पावर फैक्टर फॉर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट जीरो बन जाता है। तो देयर फोर एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन ए प्योर इंडक्टिव और आइडियल कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो, वो मैंने आपको अभी दिखाया अभी, क्योंकि जब कॉस फाई कॉस 90 जीरो बन गया तो देयर फोर एवरेज पावर किसके बराबर, ई वी आई वी कॉस फाई, तो कॉस फाई जब जीरो बन गया तो एवरेज पावर क्या होता है, जीरो होता है। देयर फोर करंट थ्रू प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट, उसको आप आइडियल करंट या वाटलेस करंट कहते हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि जब ये अब आपको इससे एक्चुअली सारी स्टोरी आपको समझ में अब आएगी, तो देखो बेटा एक्चुअली पावर फैक्टर विल डिस्कस एवरीथिंग। यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने पावर फैक्टर्स निकाले इंपेडेंस ट्रायंगल की मदद से, उसके बाद हमने देखा जो नॉन इंडक्टिव सर्किट है उसमें नॉन इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो जब हम वो यहाँ पे देते हैं तो देयरफॉर आपको प्योर रेजिस्टिव सर्किट मिलता है, तो देयरफॉर उस वक्त पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, वन होता है, तो देयरफॉर विच शोज अस दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस, तो आपको ऑलरेडी पता है फेज डिफरेंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है, तो मैक्सिमम पावर कहाँ पे कंज्यूम होता है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है रेजिस्टिव सर्किट में। लेकिन जब हम आइडियल कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट लेते हैं, वहाँ पे फेज डिफरेंस हमको ऑलरेडी पता है वो 90 है, तो जब फेज डिफरेंस 90 है, फाई इज 90, देयरफॉर कॉस 90 इज जीरो, तो विच मीन्स वहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो जीरो है, जब पावर फैक्टर जीरो है तो विच मीन्स एवरेज पावर, पावर फैक्टर ये जीरो बन गया तो एवरेज पावर खुद ब खुद जीरो बन गया, विच मीन्स जब एवरेज पावर जो कंज्यूम होता है प्योर इंडक्टिव आइडियल कैपेसिटिव सर्किट में वो जीरो है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो करंट थ्रू दिस प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट जो कुछ पावर कंज्यूम नहीं करता है उस करंट को मेंटेन करने के लिए, तो देयरफॉर उसको हम कहते हैं आइडियल करंट। देयरफॉर जो वो दैट करंट विच पासिस थ्रू दिस एल आर सी सर्किट दैट्स इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड एज आइडियल करंट, या इसी को हम वाटलेस करंट कहते हैं, यानी वो करंट जो खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ पावर कंज्यूम नहीं करता, तो या फिर उसको आप क्या कहते हो बेटा, उसको वाटलेस करंट कहते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखेंगे हमारे पास आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर तो होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनके पास अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो देयर फोर देयर डज ओकर सम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी वहाँ पे डिसिपेट हो जाती है। हाउएवर जो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस कंटिन्यू टू बी मोर सूटेबल फॉर कंट्रोलिंग दिस करंट इन एसी सर्किट, ये ज़्यादा कंट्रोल कहते हैं। इसी तरह रेजोनेंस की कंडीशन भी आप ले सकते हो, यही रेजोनेंस की कंडीशन भी है, दैट्स एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तब भी आपका फाइव जीरो आएगा, देयरफॉर उस वक्त भी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है इन सर्किट पे एट रेजोनेंस, ठीक है ना। तो देयरफॉर एट रेजोनेंस, रेजोनेंस आपने पढ़ा है, तो रेजोनेंस एक्चुअली यही कंडीशन है, जिस वक्त मैक्सिमम करंट पास होता है तो देयरफॉर उस वक्त भी मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है सर्किट में, ठीक है ना। सो
तो अब एक चीज आप जहन में रखोगे, वो दैट इज फर्दर यू विल नोट दैट वट एवर द सर्किट इज, पावर डिसिपेशन इज ऑलवेज थ्रू रेजिस्टेंस। जो कुछ भी सर्किट आपके पास होगा, आपका पावर डिसिपेट सिर्फ किस सर्किट में होगा? रेजिस्टिव सर्किट में। वो बाकी आपने चाहे आपके पास इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट है, उसमें आपने देखा कि कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना? तो दिस वॉज योर पावर फैक्टर रह गया था, एंड दिस वॉज योर इम्पीडेंस ट्रायंगल।